आरएएस की परीक्षा में नेताओं के रिश्तेदारों का सिलेक्शन अब सियासी बहस की वजह बन गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं तो बीजेपी निशाना साध रही है। ये रिपोर्ट देखिए। और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के समधी के बेटे और बेटी ने भी आरएएस में बाजी मारी है। इसे लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि दोनों को इंटरव्यू में एक जैसे ही मार्क्स कैसे मिले, और बीजेपी जांच की मांग कर रही है। वहीं डोटासरा सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मेरा बेटा अविनाश वो 2016 में पास हुआ था, उसके भी नंबर आए हैं, वो भी आरएएस बना है। मेरी जो पुत्रवधू है वो जब पास हुई थी, जब उसके मार्क्स आए थे तब तो हमारा रिश्ता ही नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता तो उसके रिजल्ट के 20 महीने बाद में, जब वो ट्रेनिंग में आ गई उसके बाद में मेरा रिश्ता हुआ, और बीजेपी का राज था। तो बीजेपी के राज में उन्हीं के बनाए हुए मेंबर और उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन, उसमें अगर प्रतिभा पास होती है तो उसमें मेरा क्या लेना देना। मेरा बेटा उस वक्त अगर आरएएस बनता है तो उसमें दूसरे का क्या योगदान है, उसकी वो टैलेंटेड है तो होगा, उसमें कहां दिक्कत आ रही है। आरएएस परीक्षा 2018 रिजल्ट पर शुरू हुई राजनीति। बीजेपी ने गोविंद सिंह डोटासरा पर साधा निशाना, डोटासरा के समधी के बेटे और बेटी का भी सिलेक्शन। बीजेपी कर रही है जांच की मांग, डोटासरा ने आरोपों को किया खारिज। डोटासरा का कहना है कि आरएएस राजस्थान की प्रतिष्ठित परीक्षा है, इससे किसी भी सियासी शख्स का कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने इसे प्रोपोगेंडा बताया, साथ ही कहा कि उनका बेटा अविनाश 2016 में पास हुआ था, तब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वहीं डोटासरा ने कहा कि हनुमानगढ़ में 5 बहनें आरएएस बनी हैं, तो क्या उनसे भी मेरी रिश्तेदारी है? हनुमानगढ़ में 5 सारण परिवार के जो बच्चियां हैं वो पांचों के पांचों आरएएस बनी हैं, तो क्या उसमें कोई मेरे रिश्तेदार थे, क्या किसी के रिश्तेदार थे? तो ये इस तरीके का प्रोपोगंडा, जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग अपनी खीज मिटाने के लिए या डिप्रेशन के शिकार होकर के इस तरीके की बातें करते हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा अपनी बात कह चुके हैं, हालांकि टैलेंट पर सियासत जारी है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।